नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। क्या आपको पैसों के बदले मौत मिल सकती है? क्या आप कभी मौत खरीद सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले किसी ने जबरदस्ती मौत बेची थी, लेकिन अब उसके हिसाब का वक्त आ चुका है। लेकिन सिस्टम पर सवाल उठते हैं कि कैसे मेडिकल की दुनिया में ये खेल चल रहा है। ये किसी एक जगह की कहानी नहीं, बल्कि करीब करीब हर एक अस्पताल का यही फसाना है। सेवा का ये प्रोफेशन अब धंधा बन चुका है और सिस्टम इस धंधे में पूरी तरह से ढल चुका है। ये सवाल बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पहले इस रिपोर्ट में देखिए कि तब क्या हुआ था और अब क्या हुआ है, उसके बाद चर्चा करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में आपने कर्म को धंधा बनते देखा था। जान बचाने की कसम खाने वालों के हाथों आपने मौत का मजाक होते देखा था। कैसे एक मासूम को अस्पताल ने मौत की नींद सुला दिया था, वो भी आपने देखा था। लेकिन लगता है अब हिसाब का वक्त आ गया है। तो इसके लिए जो है, हम एक्शन, हम जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको लिख रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन किया जाए, और हम प्रोविजन ऑफ इंडियन पेनल कोड की नेग्लिजेंस के कारण डेथ होना, इसके तहत हम इस हॉस्पिटल के खिलाफ FIR भी दर्ज कराने जा रहे हैं कि इन्होंने जो नेग्लिजेंस की है, जिसकी वजह से इस बच्ची की डेथ हुई है, फोर्टिस के खिलाफ। अस्पताल पर हरियाणा सरकार न सिर्फ FIR कराएगी, बल्कि उसका ब्लड बैंक का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। प्लेटलेट्स में भी इन्होंने ओवरचार्जिंग की है। 25 बार प्लेटलेट्स चढ़ाए गए हैं, जिसमें 17 बार तो 400 रुपये पर जो यूनिट इन्होंने चार्ज किए हैं, और 8 बार 2000 रुपये पर यूनिट चार्ज किए हैं। तो इसमें इनके ब्लड बैंक का हम जो लाइसेंस है वो कैंसिल करने जा रहे हैं। अनिल विज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने साफ कहा कि ये कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि अस्पताल द्वारा किया गया मर्डर था। अगर दूसरे सिंपल भाषा में माना जाए तो इट इज नॉट ए डेथ, इट इज ए मर्डर। जब आप एक एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर इतने दिनों से बच्ची है और आप उसका एकदम विड्रॉ कर देते हैं, मरीज को तो नहीं मालूम, मरीज के पेरेंट्स को नहीं मालूम कि इसके क्या अंजाम होंगे, लेकिन यू आर ए डॉक्टर, यू मस्ट नो कि इसका हटाने का मतलब है सडन डेथ। अगर आप भूल गए हैं तो फिर से याद दिला देते हैं कि फोर्टिस अस्पताल ने डेंगू से ग्रसित बच्ची के इलाज के लिए लगभग 16 लाख रुपए वसूल लिए थे, जिसमें 1250 रुपए एडमिशन चार्ज लिया गया था, 61,315 रुपए ब्लड बैंक में जमा कराए गए थे, डायग्नोस्टिक के नाम पर 29,190 रुपए वसूले गए थे, 53,900 रुपए डॉक्टर चार्ज लिया गया था, 3,96,732 रुपए की दवाइयां खिला दी गई थी, इक्विपमेंट चार्ज के नाम पर 71,000 रुपए वसूल लिए गए थे, 2,17,594 रुपए इन्वेस्टिगेशन के लिए लिए गए थे, मेडिकल और सरचार्ज प्रोसीजर के लिए 2,85,797 रुपए वसूले गए, मेडिकल कंज्यूमेबल्स के नाम पर 15,150 रुपए वसूले गए थे, इसके अलावा 1,74,000 रुपए रूम रेंट लिया गया था। इस तरीके से कुल मिलाकर 15,79,322 रुपए का बिल बनाकर बच्ची के पिता को थमा दिया गया था। ये सब पैसा अस्पताल ने 7 साल की बच्ची को डेंगू से ठीक करने के लिए वसूला था, लेकिन ये सब बिल भरने के बाद बच्ची के पिता को क्या मिला? मासूम बेटी की लाश। और जवाब में अस्पताल ने क्या दिया? कुछ नहीं, बस हाथ खड़े कर दिए। लेकिन अब शायद हिसाब का वक्त आ गया है। अस्पताल के नाम पर 5-स्टार होटलों से भी ज्यादा बिल थमाने वाली दुकान पर अब FIR होगी। ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाएगा, लेकिन क्या ये अकेला ऐसा अस्पताल है? अगर नहीं तो बाकियों पर कार्रवाई कब? स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि FIR की जाएगी। सरकारी जो
अस्पताल हैं उनकी स्थिति क्या है, उनमें सुधार क्यों नहीं है, वहां जो मरीज हैं क्यों नहीं जा पाते, और प्राइवेट संस्थानों की मनमानी कब तक चलेगी, मुनाफाखोरी का ये धंधा कब तक रहेगा कि डॉक्टरी के नाम पर मनमानी रकम वसूली जाएगी, शव तक परिजनों को दिया नहीं जाएगा जब तक बिल अदा नहीं किया जाता, और मंत्री साहब ने आज जो कहा वो एक्शन कब तक ले लिया जाएगा, क्योंकि सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है समय को लेकर, और साथ ही मीडिया में जब मामला आ जाता है, सुर्खियों में जब शामिल हो जाता है, तभी सरकारें क्यों जागती है, क्यों सरकारी मीडिया के चश्मे से ही इस तरह के जनहित से जुड़े मसलों को देखती है। इन सवालों के जवाब लेंगे कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे इस चर्चा में अमरदीप कौर हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता संजय आहूजा हैं, और इनेलो से रविंद्र ढूल हैं हमारे साथ इस चर्चा में, राजीव रंजन रॉय वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, और सुखबीर हुड्डा वकील हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है सभी मेहमानों का इस चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से करेंगे, संजय जी आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि फैसला ये अच्छा है कि FIR दर्ज करवाई जाएगी, कब तक एक्शन ले लिया जाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये बहुत दुखद दुर्घटना है, मैं सहानुभूति है परिवार से जिसका एक बच्चा घर से मतलब चला गया, और रही आपकी बात कि ये कब तक ले लिया जाएगा फैसला, स्वास्थ्य मंत्री हमारे अनिल विज जी ने ये स्पष्ट किया है कि इमीडिएट इफेक्ट उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं कि उनका जो ब्लड का लाइसेंस है वो इमीडिएट रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, FIR जो दर्ज करवाई जा रही है वो कौन सी धाराओं के तहत दर्ज करवाई जाएगी? देखिए, इतनी जानकारी नहीं कौन सी धाराओं के तहत होगी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक FIR दर्ज होगी जो उन्होंने एक मर्डर का रूप दिया है, उन्होंने स्पष्ट किया उस प्रेस वार्ता में, हाँ, कि मर्डर का केस मतलब धाराएं तो नहीं मैं उसको कह सकता, वकील साहब हमारे हुड्डा साहब बैठे हैं वो बताएंगे अच्छे से, लेकिन FIR दर्ज होगी जो एक मर्डर का रूप मतलब वो बताया उन्होंने इस चीज को। जी अमरदीप जी, आपके पास मैं आऊंगी, स्वास्थ्य मंत्री ने जो आज कहा, क्या कांग्रेस इस तरह के एक्शन से संतुष्ट है एक विपक्षी पार्टी होने के तौर पर, कि लापरवाही अगर हुई और मंत्री जी ये कहें कि ये कोई हत्या है, ये कोई कहें कि मौत नहीं है, डेथ नहीं है, सीधे तौर पर मर्डर ये है। संजय जी बहुत मेहरबानी की आपने सहानुभूति जताई, लेकिन ये कोई एक केस नहीं है, ऐसे कई केस पड़े हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में? कुछ भी नहीं, आप लोग तब जागते हैं जिस वक्त घटना हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्री जी बातें करते हैं ट्विटर के थ्रू हर वजह से, किसी ना किसी और विभागों में उनकी छेड़ाछाड़ी रहती है, और विभागों में उनका बड़ा फिट रहता है काम, कभी ट्विटर पर कुछ लगते हैं, कभी कुछ, कभी टंकियों पर चढ़ करके टंकियों में झांकते हैं, उन्हें ये नहीं दिखता कि उनके अपने विभाग में क्या हो रहा है। घटना होने के बाद किसी बच्चे की मौत हो जाती है, किसी, सबसे बड़ी बात कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में सुविधा उपलब्ध होती तो एक गरीब वर्ग के बच्चे को इतने बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता। तो आप लोग कहाँ सो रहे हैं? आज आप सहानुभूति दे रहे हैं, एक घर जो है वो एक उसका बच्चा चला जाता है, कोई महत्वता है या नहीं समाज की, कोई जनता की, आप लोगों के नजरों में कोई मायने रखती है कि नहीं ये जनता आप लोगों की? डोल साहब आपके पास मैं आऊंगी, एक बच्ची की मौत हो जाती है, उसके बाद एक लंबा चौड़ा बिल थमा दिया जाता है, उसके बाद सरकार जागती है। देखिए बिल्कुल सही बात है, जागना चाहिए पहले, क्योंकि रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपके पास में यहाँ पर पहले से होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिलहाल जो हाल फिलहाल जो एक कार्रवाई हुई है, मैं आपको बता दूं 304A की शायद इसमें धारा ही दर्ज हो सकती है, रैश नेग्लिजेंट एक्ट में डेथ की, तो जो हाल फिलहाल जो कार्रवाई हुई है ये कार्रवाई केवल इस हॉस्पिटल तक सीमित ना रह करके हरियाणा के ज्यूरिडिक्शन में आने वाले सभी प्राइवेट हॉस्पिटल तक यदि जाए और सभी हॉस्पिटल्स के इस प्रकार के बिल्स की ऑडिट हो, जितना भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया है क्या उन्होंने स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसेस है, हमारे यहाँ पर डॉक्टर जो है होते तो चाहे इसमें स्पष्ट बता देते इस चीज़ को, स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसेस जो है आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बीमारी का बताती है कि डॉक्टर्स किस प्रकार से इलाज करेंगे, उसके तहत इलाज किया जाता है। यदि स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसेस से थोड़ी भी डेविएशन है तो ये ऑडिट का इशू है, इसका ऑडिट कौन करेगा? मैं कहता हूं कि सरकार की हमारी तरफ से मांग है तुरंत प्रभाव से सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक बड़े स्तर पर ऑडिट करवाया जाए, सभी बिल्स की वहां पर ऑडिट करवाया जाए, ये केवल एक फोर्टिस नहीं, आपके पंचकुला में, चंडीगढ़ में, हरियाणा, गुड़गांव, फरीदाबाद, हर शहर में आपको इस प्रकार के हॉस्पिटल्स मिलेंगे, हर शहर में आपको ऐसे लैब्स मिलेंगी, मेडिकल लैब्स मिलेंगी जहां पे ओवरचार्जिंग होती है या गलत टेस्ट किए जाते हैं या गलत रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, तो इनको तुरंत प्रभाव से हम इसको रोकने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी राजीव रंजन जी, आपके पास मैं आऊंगी, आपने स्वास्थ्य मंत्री को सुना होगा, रिपोर्ट भी हमने दिखाई, एक बच्चे की मौत हो जाती है, जान चली जाती है, उसके बाद FIR करवाई जाएगी, क्या ये एक्शन लिया जाना काफी है? देखिए ये चूंकि ऐसा इंसिडेंट हुआ तो गवर्नमेंट को एक्ट करना ही पड़ता,
बट मामला यह नहीं है, मामला यह है क्या कि इसकी जो आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं वो टॉप से बॉटम तक होनी चाहिए। ये जितने प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स हैं इन सारे हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट को पॉलिटिकल पैटर्नेज प्राप्त है और उनके सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं लीडर्स हैं उनसे सारे सभाओं का इनसे संबंध है किसी न किसी तरीके से। इसके कारण होता क्या है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली जाती है, कोई ऑडिटिंग नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार का इंस्पेक्शन होता है, ना ही उस पर कोई इस प्रकार का चेक्स एंड बैलेंसेस हैं ताकि समय समय पर आपको पता चले। ये बातें सामने आ गई किसी तरह से तो लोगों को पता चल गया और मीडिया ने उसे उठा ला, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलना था। और ढेर सारी ऐसे केसेस हैं, गवर्नमेंट के पास कोई रिपोर्ट नहीं है, इनकी कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं आती है, जो डेथ्स होते हैं उसकी ऑडिटिंग रिपोर्ट क्या कहता है, ये रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां से गवर्नमेंट को जानना चाहिए आपने ये प्रॉफिट के लिए हॉस्पिटल थोड़े चला रहे हैं। हुडा ने जब इनको जमीन दिया तो एक सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए के साथ जमीन दी जाती है, लेकिन चूंकि मामला सबसे जो चिंता की विषय है जो लोग पावरफुल हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो इनसे हाथ मिला लेते हैं। हाँ। जब पॉलिटिशियंस और प्रॉफिट कमाने वाले नेक्सस स्ट्रांग हो जाता है तो सामान्य इंसान का सफर करना लाजमी है। पॉलिटिकल क्लासों से आज तो ये शुक्र मनाइए कि अनिल विज हेल्थ मिनिस्टर हैं तो बात यहां तक पहुंची और कुछ मुझे उम्मीद है कि कुछ इसमें कार्रवाई होगी। हाँ। नहीं तो कुछ होना ही नहीं था। और मैं अभी भी कह रहा हूं, पब्लिकली कह रहा हूं, क्या लगता है कोई लैंडमार्क एक्शन देखेगा जाएगी या मीडिया में मामला आया इसलिए की जाएगी क्योंकि बाकी अस्पतालों में जहां जी मनमानी चल रही है वहां कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मैं बता दूं दूसरे हॉस्पिटल में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और मैं बता दूं इस मामले में भी लैंडमार्क अगर डिसीजन लेना था तो अभी हॉस्पिटल के अगेंस्ट में तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी, तुरंत FIR लॉज होना चाहिए था, हॉस्पिटल को कहा जाना चाहिए था कि एक महीने के अंदर सारे पेशेंट्स को यहां से आप शिफ्ट करो। हाँ। और जब सारा रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा देन विल रिन्यू योर परमिशन, उसके बाद आप ट्रीटमेंट करो, जितने ICU है आप एक महीने के अंदर में सारे पेशेंट्स को शिफ्ट करो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, रिपोर्ट आएगी हम सेटिस्फाई होंगे और आपकी आर्ग्यूमेंट्स में मेरिट होगा तो हम दोबारा आपको लाइसेंस देंगे। उनकी हिम्मत नहीं करने की, वो करके दिखा कर एक एग्जांपल सेट करे। बट हम उम्मीद करते हैं, मैं ज्योति में उम्मीद करता हूं कि सरकार को ऐसा काम जरूर करे, इससे सामान्य आदमी में एक होप जगे। अगर हमारे साथ कुछ होता है हमें उम्मीद बनी रहे और उस दिशा में एक ही छोटा सा प्रयास है, मैं इस बात को भी मानता हूँ, ये प्रयास है, इसको मैं प्रशंसा करता हूँ। ठीक है, हुड्डा साहब आपसे जानेंगे पूरे मामले में कानून क्या कहता है। देखिए ज्योति, इसको थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो नंबर एक तो ये देखिए, इस केस को ऑलमोस्ट ब्यूरोक्रेसी ने कवर कर लिया था क्योंकि ये मुकदमा जो FIR का था ये कल हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कल ये लॉन्च करवा देना चाहिए था, बट एनीवे उनसे नहीं हो पाया। आज उन्होंने प्रेशर बना के उसकी रिपोर्ट्स मंगा के ऊपर उसके अंदर दो चीज़ें क्लियर नहीं की कि क्या सेक्शन लगा रहे हैं, किस किस के ऊपर ये सेक्शन लगेगा। हाँ। किस किस के इसके अंदर साजिशन इनके ऊपर मुकदमा चलेगा और किस अंडर किस सेक्शन के अंदर चलेगा। नंबर टू, सेकंडली उन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया कि भी इसकी सारी कंप्लाइंस जो जो भी हॉस्पिटल के लिए कंप्लाइंस रेगुलेटरी जो हरियाणा गवर्नमेंट अथॉरिटी उनको अप्रूव करती है। हाँ। उनकी कंप्लाइंस की भी कम से कम अगर जांच की आज आदेश कर देते और तुरंत गिरफ्तारी का आदेश कर देते और यह भी पता लग जाता कि किस सेक्शन के अंदर ये मुकदमा तहत दर्ज करने जा रहे हैं तो ये पिक्चर क्लियर होती, क्योंकि जिस तरीके से ये बिजनेस सेंटर बनते जा रहे हैं ये एक इस तरह का जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत दुखदाई है और इसका अब सरकार के पास मौका है, वक्त है, नजाकत है कि इसको एक लैंडमार्क बना दे। जी संजय आहूजा जी, जितना कहा जितना बताया गया स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से वो हालांकि काबिले तारीफ है, लेकिन कब तक एक्शन लिया जाएगा या किन धाराओं के तहत लिया जाएगा ये तमाम चीजें भी अगर साफ हो पाती हुड्डा साहब ने जो कहा तो और बेहतर होगा। बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पर हुड्डा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये आसान भाषा में कहा जाए तो ये मर्डर है। हाँ। ये बिल्कुल क्लियर उन्होंने तो मर्डर की धारा 302 होती है जनाब। और दूसरी जी, और दूसरी 304 को लेकर आप जो बात कर रहे हैं ढोल साहब, अगर मैं सही हूँ तो दिल्ली हाईकोर्ट भी इस पर टिप्पणी कर चुका है कि ये काफी नहीं है कि किसी की लापरवाही के चलते किसी की मौत हो जाती है। हुड्डा साहब आपसे भी जानेंगे। ना काफी है, बिल्कुल मैं इस चीज को निश्चित तौर पर मानता हूँ और स्वास्थ्य मंत्री जी ने बिल्कुल कहा है जी कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हाँ। और दूसरी बात, ये मीडिया में आने के बाद नहीं, जो बच्ची की मौत हुई है उसके पेरेंट्स ने ट्विटर पे और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी को भेजा। हाँ। उन्होंने सारी जानकारी ली और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। मीडिया में तो बाद में आया ये चीज। विदाउट कंप्लेंट, विदाउट जानकारी कौन सी हॉस्पिटल में,
क्या हम सारे का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराते? नहीं, कौन जी? एक सेकेंड, अगर सरकारी ध्यान नहीं रखेंगी, सरकार की जवाबदेही नहीं है कि प्राइवेट अस्पतालों में क्या हो रहा है। जो हुड्डा साहब ने और दुल साहब ने कहा कि सरकार को उनके वो चेक माने चेक करने चाहिए कि वो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। तो स्वास्थ्य मंत्री जी ये करते रहते हैं नियमित तौर पर। अगर ये कोई कमी आई है तो किसी किसी पेरेंट्स ने या किसी व्यक्ति ने कुछ कंप्लेंट की है तो उसके ऊपर कार्रवाई की है सरकार ने। ढोल साहब, क्या ये पहला मामला था जब बिल इतना मांगा जाता है, रकम इतनी बड़ी वसूले जाने की बात की जाती है? पहला मामला नहीं है। रुकिए, आमदा साहब आएंगे आपके पास। हजारों मामले हर एक हॉस्पिटल में, मेरे पड़ोस में हॉस्पिटल है 21 सेक्टर पंचकुला में, एल्केमिस्ट हॉस्पिटल, उसकी हजारों कंप्लेंट्स पड़ी हुई है मेडिकल नेग्लिजेंस की, ओवरचार्जिंग की। मुझे याद नहीं आता, क्योंकि उस हॉस्पिटल को भी पॉलिटिकल पैटर्नेज़ मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, तो मुझे याद नहीं आता उस हॉस्पिटल के खिलाफ को कार्रवाई हुई हो। मुझे कभी भी याद नहीं आता कि कंप्लेंट्स होने के बाद में हरियाणा में किसी भी अब क्या साधुवाद आप लेंगे, क्या मंत्री जी साधुवाद लेंगे, क्या सरकार इस मामले में साधुवाद लेगी जब बहुत सारे मामले। ज्योति जी कह रहे हैं कि कंप्लेंट दी गई है अल्केमिस्ट की, मुझे नहीं लगता कोई कंप्लेंट आई और उसके ऊपर कार्रवाई ना की गई। मैं देखिए कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं, मुझे आप नहीं होगी। देखिए मैं स्पष्ट से कह रहा हूं, अगर डुल साहब एक भी कंप्लेंट दिखा दें उनकी और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। पिछली डिबेट वाली बात करें, दिखा मैं फिर भी दूंगा, ये बात नहीं है। कंज्यूमर फोरम पंचकुला के अंदर हजारों केस पेंडिंग है। देखिए ये स्वास्थ्य मंत्री जी, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं फिर वही बार-बार कह रहा हूं, मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा किसी पे। स्वास्थ्य मंत्री जी की कार्यशैली यह है कि वो कोई भी एक छोटी सी बात आती है उसको कड़ा संज्ञान में लेते हैं। स्थिति इतनी बुरी क्यों हो जाती है फिर कि 16 लाख का बिल दबा दिया जाता है, उससे पहले सरकार या स्वास्थ्य मंत्री ध्यान क्यों नहीं देते? निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा होता निश्चित तौर पर। ये नहीं कोई जान जाएगी तभी सरकार जागेगी, तभी स्वास्थ्य मंत्री जागेगा और तभी अमरदीप जी फिलहाल जो मामला है उसमें क्या हुआ है फिर? अगर ऐसा नहीं है कि सरकार या मंत्री पहले जाग जाते हैं, पहले एक्शन लिया जाता है, पहले संज्ञान लिया जाता है, तो फिर इस तरह के मामले सामने क्यों आते हैं? अमरदीप जी सुनिए, कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको पता है कि लाइट भी चली जाती है, वहां पे जनरेटर भी अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल। और दूसरी बात, ये जो ओवर चार्जिंग की बात कर रहे हैं, प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं, जो उसको चढ़ाया गया वो भी ओवर चार्जिंग था। 3 साल हो चुके हैं इनकी सरकार को, तो क्या ये अब तक शांत थे? इनको नहीं पता कि कहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? और एक मेरी राय है यहां पर ज्योति जी, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मैं मनोहरलाल खट्टर जी जो हमारे मुख्यमंत्री, उन्हें एक राय देना चाहती हूं कि ये जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्हें इस विभाग से हटा करके अपना इन्हें प्रवक्ता बना देना चाहिए, क्योंकि वो प्रवक्ता का काम बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं, ये विभाग तो उनसे उससे अच्छा काम हो नहीं रहा। मिनिस्टर का काम बहुत अच्छे से नहीं, कहीं कहां किया बताएं ना, अगर मेरे को आप एक बात बताएं, ज्योति सुनिए, डेंगू की जानकारी अस्पताल के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी जाती, तो विभाग की जानकारी अगर वहां तक नहीं पहुंचती है तो क्या स्वास्थ्य मंत्री जी सो रहे हैं? उन्हें नहीं पता कि हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए कि डेंगू का मामला आज का नहीं है, इस बात से कोई भी गेस्ट इग्नोर नहीं कर चर्चा करेंगे। पिछले डॉक्टर हमारे सामने आया था, एक मिनट संजय जी प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आप थोड़ा जल्दी। पिछले साल भी ये मामला हमारे सामने आया था कि डेंगू का जो टेस्ट है वो बहुत ही सरल सा उसका कॉस्ट है, और 2000 रुपए तक की उसकी कॉस्ट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल ले रहे थे, तो ये अब तक क्यों नहीं जागे? इन्हें क्यों नहीं पता लग रहा था कि एक्स्ट्रा चार्जेस ले रही हैं अपना हॉस्पिटल्स में? और इतना बिल्कुल यही मैंने पूछना चाहा, किसी के बच्चे की जान चली जाती है, आम इंसान की अवेलेबल जो थी पूरी की पूरी अपना विभाग का बात रखे। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, संजय आहूजा ने कहा था कि एक कंप्लेंट दिखा दीजिए जो सरकार के पास आई हो, बहुत सारी। सितंबर 2016 में इसी हॉस्पिटल के खिलाफ कंप्लेंट आई थी जो है, इसके बाद में एक कमेटी बनी थी। सितंबर 2016 में 5 मेंबर कमेटी ने यह कहा था कि एल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला के खिलाफ जो है केस बनता है और उन्होंने गैर कानूनी कार्य किए हैं। अब मैं संजय आहूजा जी से पूछता हूँ, इस हॉस्पिटल के खिलाफ इन्होंने क्या किया? 5 मेंबर की कमेटी ने जांच की, उस जांच के ऊपर सरकार ने क्या कार्रवाई की? अब ये संजय जी जवाब दीजिए। हमारे साथ 40 स्पेशलिस्ट फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका चर्चा में। आपसे जानेंगे जो पूरा ये मामला है, पूरा प्रकरण जो हुआ है फोर्टिस अस्पताल में, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आईएमए का फैक्ट
जी सर, हम चलिए बेदी साहब, आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से आएंगे, तकनीकी खामी है, एक बार फिर से आपसे सवाल हम करेंगे। हुड्डा साहब काफी देर। हाँ ज्योति, मैं इसके अंदर ही कहना चाह रहा था, देखिए मंत्री जी का बिल्कुल जो उन्होंने स्टेप लिया है, जो उन्होंने जिस तरीके से बिल्कुल आप ये कह लीजिए अपनी पावर यूज करके मुकदमे का उन्होंने सेव दिया है, बट उसको मतलब इमीडिएटली उन्होंने दो तीन चीजें करनी चाहिए। एक तो इमीडिएट अरेस्ट कराएं सो दैट ये पता लगे, और ये जो 304 वाले जो मुकदमे ये तो एक दो दिन कागजों में आएंगे और वो बेल हो गए और वो फारिग हो जाएंगे। देखिए इसको जिस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट को इस सीरियस तरीके से लिया जाए और इसके अंदर कैबिनेट के अंदर बिल ला के और इसके लिए उनको इस तरीके से फ्रेम किया जाए कि ये क्रिमिनल लायबिलिटी एक इस तरह की वो करे कि डॉक्टर भी दो बार इस तरह का स्टेप लेते हुए सोचे। बिल्कुल। नंबर टू ज्योति, इसके साथ ना देखिए जहां तक पेरेंट्स की बात है, हर जगह ये मुआवजा देते हैं नेचुरली, उनका देखो पता नहीं कितने लाखों के नीचे आ गए, तो सरकार को कम से कम उस फैमिली का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने पता नहीं क्या लोन लेके या बच्ची का क्या या उनकी कैपेसिटी थी या नहीं थी, जैसे भी है बहुत उनका पैसा लग गया, पर सरकार को उस एंगल पे भी ध्यान देना चाहिए कि पता नहीं किस फैमिली से आते और उनके साथ इतनी बड़ी उसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया, देखना चाहिए। यस यस ठीक है। आर एस वेदी साहब, फिर से आपके पास मैं आऊंगी, आपका क्या पक्ष है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए आईएमए का स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है, सरकार जो है इसकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है और ये लगातार जो है या ये पिछली सरकार थी या ये सरकार है, हेल्थ के ऊपर जो पैसा है वो खर्चना नहीं चाहती क्योंकि ये पॉलिटिकली उनको कोई वोट ही नहीं देता। और वो अपनी जो है, मैं बेसिक मुद्दे पे आता हूं कि ये डेंगू इतना फैला कैसे? अगर ये फैला है तो उस टाइम रोका क्यों नहीं है? हाँ। ये रोकना मैक्स ने नहीं रोकना, डॉक्टरों ने नहीं रोकना, ये सरकार ने रोकना है। पहली जिम्मेवारी ये आती है जिससे जो ये सरकारें जो है ये भागती रही हैं। हाँ। कि उन्होंने डेंगू को रोकने की जो कोशिश है जो हर साल हमें पता है कि कितने सालों से आ रहा है, तो वो क्यों नहीं रोक पा रही है? नंबर वन। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बात पूरी कीजिएगा, आपसे ही मैं एक सवाल कर लूं, क्या ये जिस तरह का एक्शन लिए जाने की बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही, क्या वो काफी है? आप मैं वही कह रहा हूँ कि एक्शन के जो ये जहां तक हम पहुंचे हैं वहां तक पहुंचने देना ही नहीं चाहिए। आफ्टरऑल एक जिंदगी गई है। हाँ। एक जिंदगी की बात तो हम कर रहे हैं क्योंकि एक मैक्स बीच में आ गया, पॉलिटिकल इशू बन गया है। कितनी जाने गई होंगी सारे हिंदुस्तान में, आप कर समझ सकते हैं? हो सकता है हजारों सैकड़ों जाने जो है वो गई होंगी डेंगू के कारण ही, मलेरिया के कारण हम जानते हैं। परेशानी नहीं है, डेंगू है बच्ची को, उसके बाद मौत हो जाती है, उसके बाद अस्पताल प्रशासन का क्या रवैया रहता है, किस तरह का बिल थमा दिया जाता है, पूरा मामला ये है। तो पूरे मामले को जानकर समझ कर, हालांकि यही है कि बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो है, बड़े कॉर्पोरेट जो हॉस्पिटल है, आजकल इंडिया के जो सिटीजन हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना, तो सरकार कुछ करने को तैयार है ना, कॉर्पोरेट जो हॉस्पिटल है वो मरीज जाके वहां पर अपना इलाज करा सकते हैं। जा सकता कि सरकारी अस्पतालों में माकूल एक माहौल नहीं मिल रहा उपचार के लिए, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी कहाँ तक जायज है? आप इस बिंदु पर भी मनमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार बीच में आए तो। मेरा कहने का जो मुद्दा सब ये है कि अगर सरकार बीच में आती है। हाँ। तो उनको एक डेंगू के इलाज के लिए किसी को 15 लाख खर्चना पड़े हिंदुस्तान जैसे सरकार की नाकामी है, जाहिर तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अमरदीप जी आपके पास मैं आऊंगी, कांग्रेस सरकार भी क्या करती रही स्वास्थ्य को लेकर, अभी खट्टर सरकार भी क्या कर रही है? डेंगू जो कि हर साल की बीमारी है, हर साल की परेशानी है, उसके लिए भी निजी अस्पतालों में लोगों को जाना पड़ता है, मोटी रकम एक अदा करनी पड़ती है। ज्योति सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार पैसा टैक्स के नाम पर जनता से वसूल रही है, आखिर उसका उपयोग कर कहां रही है? अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में कोई भी चीजें उपलब्ध नहीं है, कोई भी इनकी योजना ही नहीं है, तो वो पैसा कहां जा रहा है? मैंने भी शामिल किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया? 50 साल हरियाणा पूरे कर चुका है, जो आधारभूत जरूरतें जो होनी चाहिए सरकारी अस्पतालों में पूरी, वो आप लोग नहीं कर पाए। ज्योति कांग्रेस सबसे ज्यादा कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया, सारे काम ही कांग्रेस ने किए, सारी योजनाएं ही कांग्रेस की हैं। आप तो सिर्फ बैठ करके, कहावत में आपके लिए कहना चाहूंगी, पंजाबी की कहावत है,
भुखे बंदा कटोरा लभ्या पीपी पानी आफरिया तो हमते ना मतलब वो सत्ता की जो भूख थी ना वो गोटे गोटे पड़ी हुई थी और अब आप बैठ करके जरूरत ना सुख भोग रहे हो कुर्सियों का सुख भोग रहे हो क्या हो रहा है जनता के साथ क्या हो रहा है तो आपको आज इस बात का नहीं पता यहाँ आपने क्या किया हरियाणा के बाद यूपी और पंजाब का इलेक्शन आ गया वहां प्रचार में लग गए आप लोगों को यही नहीं पता चलिए रुकिए चलिए रुकिए चलिए रुकिए रंजन जी आपके पास मैं आऊंगी क्या कांग्रेस करती रही या कोई भी पार्टी क्या करती रही अभी बीजेपी क्या कर रही है कि सरकारी अस्पतालों में उस तरह का माहौल हो उस तरह की सुविधाएं और मशीनें डॉक्टर्स हो कि निजी अस्पतालों में लोगों को ना जाना पड़े खासतौर पर डेंगू जैसे हाल यही है हाल बिल्कुल आप बिल्कुल जो मुद्दा है उसको आपने आएंगे मोदी साहब आएंगे सरकार अपना पैसा खर्चा करेंगे मैं बोल लेता हूँ फिर आप उसका जवाब देंगे देखिए ज्योति जी जो हेल्थ और जो एजुकेशन है ये स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है विश्व के किसी भी देश में आप रिच से रिच कंट्री में जाएं वहां हेल्थ और एजुकेशन जो है प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर नहीं किया गया है वो स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है और हेल्थ और एजुकेशन के जीडीपी के 12% खर्च होते हैं करने चाहिए मिनिमम 6% हेल्थ पे 6% एजुकेशन में सरकार बीजेपी की हो कांग्रेस की हो INLD की हो या किसी भी पार्टी की हो हेल्थ और एजुकेशन इनकी प्रायोरिटी कभी रही ही नहीं है यह बात बिल्कुल सत्य है कि आज प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर की स्थिति जैसे डेंगू का जो ट्रीटमेंट है यह टर्सरी केयर के कैटेगरी में नहीं आता है यह लाखों में एकाध केस ऐसे होते हैं जो कि आप बड़े हॉस्पिटल में जाने पड़ते हैं यह प्राइमरी सेकेंडरी लेवल का केस बनता है ये प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे सरकार की जो व्यवस्था है इतनी कमजोर है ना डॉक्टर है ना कोई फैसिलिटीज है और हेल्थ ये किसी एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है डॉक्टर्स की वैकेंसीज हम टाइम टाइम पे भरते रहें सारे फैसिलिटीज को अपग्रेड करते रहें आज बीजेपी की सरकार है कल कांग्रेस आएगी कल परसों INLD की सरकार बनेगी लेकिन सब सरकार की तो एक ही मकसद होती है अच्छे से अच्छी फैसिलिटी हम अपने लोगों को दें कांग्रेस ने इतना किया हमने इसको आगे ले गया INLD आया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी ने तो चलो ठीक किया हमने टर्सरी केयर पे 2-3 हॉस्पिटल्स बना दिए कोई एक अच्छा एग्जांपल आप सेट नहीं करते हैं और मैं तो यह कहता हूं कि अगर इनसे ये संभव ना हो तो ये एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर को टर्सरी केयर के लिए बैन कर दे कि सरकार ही हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट मिलेगा और वहां जाए अब प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास पॉलिसी ये एक्चुअली मैं फिर उसी पॉइंट पाऊंगा कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर से हाथ मिला लेते हैं और दोनों काम नहीं हो सकता आप कंबल ओढ़ करके घी भी पियेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि यार ये सब गड़बड़ नहीं हो सकता या आप खुलेआम कीजिए ना आप कहिए कि भाई जी ये हॉस्पिटल है इसमें रिच लोगों के लिए गरीब मत जाओ पैसा लेकिन इसका एक इलाज भी है देखिए हम हमारी पार्टी की तरफ से पहले भी मांग की है और हमने शुरू भी किया है इसके मामले में आपके पास में रेगुलेटरी कल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है वकीलों के बारे में कि कैपिंग लगा दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ऐसा कोई कानून बनाने की कोशिश करेगी वकील की फीस के ऊपर कैपिंग हो तो क्या जो आपके हॉस्पिटल्स हैं हॉस्पिटल्स में जो चार्ज होता है चार्जिंग के ऊपर कैपिंग सरकार नहीं लगा सकती रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सरकार लेकर के आ सकती है उससे आप ये बता सकते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड प्रोसेस है मेडिकल प्रोसेस है किसी भी ट्रीटमेंट का उस मेडिकल प्रोसेस में एक स्टैंडर्ड कैपिंग है कि एक हॉस्पिटल डेंगू के इलाज में इससे ज्यादा नहीं ले सकता वो कैसे करेगा वो उसकी समस्या है यदि इस प्रकार का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम लेकर के आ सकते हैं और रेगुलर यदि हम ऑडिट करते हैं इनके चार्जेस का तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा समस्या का हम हल कर सकते हैं बेदी साहब आपसे जानेंगे पहले से क्या नियम है डॉक्टर्स के लिए मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता निजी जो अस्पताल हैं उनके लिए क्या नियम सरकार इसमें बिल्कुल असमर्थ है कि वो एक डेंगू के पेशेंट को भी उसका इलाज कर पाए उनके पास ऐसी वो कोई सरकार से जान लेंगे ना जनाब डॉक्टर्स को लेकर जवाब दीजिए अगर संभव है आप वीर साहब डॉक्टर्स की डॉक्टर्स को लेकर जवाब बिल्कुल सीधा है डॉक्टर्स ने कैसे सरकार के प्रवक्ता है हमारे पास सरकार के प्रवक्ता है डॉक्टर्स ने वीर साहब क्या कर रही है वीर साहब मेरा एक सवाल है वीर साहब मेरा एक आपसे सवाल है आप ये बताएं डॉक्टर्स ने 3.5 लाख का फी कैसे ले लिया डॉक्टर्स ने इतने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रूम रेंट तो मुझे समझ में आ गया डॉक्टर्स इसने टेस्ट कैसे लिख दिया क्योंकि डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट के प्रेशर में काम किया डॉक्टर्स को टारगेट दिया जाता है डॉक्टर्स नौकरी बचाने के लिए वहां 4-4, 5-5 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं उनको कहा जाता है 5 लाख रुपया तनख्वाह दोगे 25 लाख रुपया कमा करके दोगे तो डॉक्टर्स का भी एथिकल प्रैक्टिसेस की हम बात करते हैं एथिक्स को अगर हमने हमने उसका मुर्दा बना करके उसको श्मशान घाट में छोड़ाया है तो हम एक तो रोबोट के रूप में काम करते हैं बिल्कुल भी तो ड्यूटी बनती है डॉक्टर्स भी स्टैंड ले सकता है आप
आपसे आपसे इतने इतने मुद्दे में आपसे मैं सहमत हूँ कि आज जो है हिंदुस्तान के नागरिक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कोई भी नागरिक जो है 99% जो नागरिक है वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इलाज करने में असमर्थ है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जो IMA का स्टैंड है उसमें बड़ा क्लियर है कि आप चलाते हैं। एक बार के लिए भी आपने नहीं कहा कि फोर्टिस अस्पताल ने गलत किया, फोर्टिस अस्पताल ने गलत किया, इस तरह के बिल बनाए जाना गलत है, एक बार भी आपने निंदा नहीं की। एक मिनट या तो बात सुने, क्या आप इस पूरे प्रकरण को कंडम नहीं करते कि इस तरह की चीजें भविष्य में नहीं होनी चाहिए? बेटी साहब सुनिए आप, IMA का स्टैंड बहुत क्लियर है कि आप छोटे हॉस्पिटलों को उनको बढ़ावा दीजिए, नेबरहुड डॉक्टर्स को बढ़ावा दीजिए, उनके खर्चे कम है इसलिए उनका जो इलाज जो है नागरिक जो है उनको उनकी सुविधा मिलेगी। आप कॉर्पोरेट चलिए शुक्रिया आपका, हालांकि आपको सरकार में और सरकार का जो पूरा सिस्टम है उसमें ही कमियां नजर आती है, जाहिर तौर पर उसमें भी कमियां हैं, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी मनमानी कब तक चलेगी? और सरकारी अस्पताल जो कि पूरी तरह से मजबूरी या फिर अंतिम विकल्प ही बन चुके हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो ही आप सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं, वहां सुधार कब होगा? इन सवालों के जवाब लेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक 7 साल की मासूम की जान जाती है, उसके बाद एक बड़ा बिल अस्पताल प्रशासन की तरफ से थमाया जाता है, मामला मीडिया में जो आता है सुर्खियों में रहता है मीडिया में आने के बाद, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सामने आते हैं, एक रिपोर्ट जब मिल जाती है कि FIR की जाएगी, साथ ही 304A धारा भी लगेगी और पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल ये उठते हैं कि मामला जब मीडिया में आ गया, सुर्खियों में आ गया, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया भी जाएगा तो वो कितना काफी है या फिर नाकाफी है? साथ ही सरकारी अस्पतालों के हालात क्या कभी उधर पाएंगे? इन सवालों के जवाब ले रहे हैं कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ, बीजेपी का पक्ष जानेंगे एक बार फिर से। संजय जी आपके पास मैं आऊंगी और फिर से वही सवाल, डेंगू हर साल की बीमारी है, कितनी तैयार सरकार होती है, कितने तैयार सरकारी अस्पताल होते हैं, क्योंकि 3 साल से ज्यादा आप सत्ता में पूरे कर चुके हैं हरियाणा में। देखिए इसके लिए नॉर्म्स फिक्स किए गए थे, पिछली सरकारों ने भी किए थे, हमने इसमें और ऐड किए कि इसमें जब भी कोई डेंगू का पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो उसकी सूचना CMO को देगा। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इसकी सूचना नहीं देता तो उसकी 1 से 6 महीने की सजा है, जो आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है। तो इसकी भी उनके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं, 304A लगाया, ये तो अपने हुड्डा साहब ने बताया, नहीं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ सेक्शन जो आपने ज्योति जी ने कहा 304A सेक्शन लगाई गई है। हाँ। तो मैंने ये कहा कि सेक्शन अभी तक कोई नहीं लगाई गई, तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि आसान भाषा में कहें तो ये मर्डर है। नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा कि लापरवाही के चलते मौत हुई है, हालांकि ये मौत नहीं है, हत्या है, उनके शब्द ये हुए, तो धारा जो IPC की होगी वो 304A होगी। ज्योति वो तो कोई मुकदमा ही नहीं बनता, 304A होगी। देखिए आसान भाषा में उन्होंने कहा कि मर्डर, तो पहले तो उसमें क्या हो जाएगा, साथ की साथ ही जबाने के, वो तो कानून के तहत ही होगा। उड़ा साहब ठीक है, सवाल ये है कि सरकारी अस्पताल आप लोगों ने कितने तैयार किए? संजय जी सवाल के जवाब पर आइए, सवाल ये था कि सरकारी अस्पताल और सरकार जी स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार किया है, अभी हार्ट के पेशेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतना भारी भरकम बिल देना पड़ता था, लेकिन हमारी सरकार ने प्रत्येक हॉस्पिटल में, पंचकुला में भी एक सेंटर बनाया जिससे 40 से 50 हज़ार रुपए में स्टंट डाला जा सकता है। डेंगू को लेकर आप लोग कितने तैयार थे? सवाल ये था। देखिए मैंने फिर वही बताया, PGI तक में, रोहतक PGI की बात कर ले, वहां भी मशीनें नहीं मिलती, बाकी सरकारी अस्पतालों की चर्चा हम क्या करेंगे? फिर बहुत बुरी हालत जी है। फिर मनमानी की जाती है निजी अस्पतालों की तरफ से, फिर मामला जब मीडिया में आता है तब आप लोग एक्शन लेते हैं। ढोल साहब देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऐसा ही हो रहा है, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना कि फैसिलिटीज जिस प्रकार की हम सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए, यदि हम यहाँ पर ये कुल फैसिलिटीज की भी बात कर लें तो मैं बता दूं कि डेंगू जैसी ऐसी बीमारी के लिए यदि प्राइवेट हॉस्पिटल तक गए हैं, इसके कारण बहुत बड़ा ये भी है कि हमारे पास में वेंटिलेटर तक नहीं है सरकारी अस्पतालों में। वेंटिलेटर के बिना जब है हम जो अपनी पंपिंग मशीन जो है, एयर पंपिंग मशीन, यदि आज के ज़माने में हम कह रहे हैं 2017 के अंदर एयर पंपिंग मशीन से हम वहाँ पर बैठ करके इलाज करेंगे, हाँ। वेंटिलेटर की जगह या फिर आप
तो मैं कहता हूं कि पूरी तरह से हम कहीं ना कहीं असफल हो चुके हैं एक सिस्टम को बनाने के लिए। दूसरी चीज, ना आपके पास में बावजूद इसके ना आपके पास में ब्लड की उपलब्धता है प्रॉपर, चाहे कितने भी ब्लड बैंक लगते हो, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो आप प्राइवेट जो छोटे जो जो हॉस्पिटल्स हैं सीएचसी और ये है, अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए यह सेटिंग के तहत जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तक रेफर कर देते हैं पेशेंट्स को, वो पेशेंट्स वहां जाकर के ट्रीटमेंट कराते हैं। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ना केवल जो है झूठे केस भी बनाए जाते हैं, झूठी इतने झूठी एमएलआर तक के भी मामले आ चुके हैं ज्योति, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मुझे याद नहीं आता, चाहे सरकार किसी की रही हो, मेरी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, किसी भी हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है 37 साल में मैंने नहीं देखा, कम से कम होते हुए। ये एक सच्चाई है, इस सच्चाई सरकार में निश्चित तौर पर 40 हॉस्पिटल के खिलाफ दूसरे दावे कहना, मैं तो क्या कर रहा हूँ, हमारी कमी है ज्योति, हमारे सिस्टम की कमी है। मामला जो है, एक मिनट संजय जी, ये मामला जो है आपके संज्ञान में आ गया तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने आकर के बयान दे दिया, लेकिन हम इस बात को भी स्वीकारें ज्योति जी कि कम से कम अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं तो ये शुक्र मान रही हूँ कि असम के स्वास्थ्य मंत्री जी की तरह कहीं अनिल विज जी ने भी आकर के ये नहीं कह दिया कि इंसान के पूर्व जो पाप कर्म थे उनके द्वारा होने वाली ऐसी कोई बीमारियां। तो ये जो है अपनी कमजोरियों को इस तरह से छुपाते और साधते आए हैं। आप मुझे ये बताएं, एक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक्शन क्या लिया? क्या अभी तक ये हॉस्पिटल में पहुंचे या इन्होंने वहां का कुछ जाकर के देखा? कोई भी इन्होंने FIR की है तो कुछ भी गिरफ्तारी हुई? मेरे ख्याल से FIR भी नहीं हुई है अभी तक, तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आपने तो मीडिया ने तो इनको जगाने का काम किया है, सरकारी अस्पतालों की मैं बता दूं, 55% हरियाणा में स्टाफ नर्स के पद खाली हैं, 36% ANM के खाली हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है आपके पास, 48% लैब टेक्नीशियन के पद खाली हैं, 34% फार्मासिस्ट के पद खाली हैं। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का एक फैक्ट है जिसके कारण से आपके पास में 18 CHC जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो NHM का नेशनल हेल्थ मिशन का जो आपका प्लेटफॉर्म है, हमारे पास में 18 जो आपके CHC हैं आज भी खाली पड़े हुए हैं, उनकी कम है। तो मैं अगर ये गिनवाने के लिए आप ये बता दीजिए न्यूरोलॉजिस्ट है आपको, मैं ये डेंगू से थोड़ा बाहर चला जाता हूँ, यदि मैं गिनती के भी मैं बता दूं हरियाणा के अंदर कौन से सरकारी हॉस्पिटल्स में न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है, यदि ये बता दें कि क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? पूरे राज्य में आप कैसा अस्पताल बता पाएंगे? सुनिए एक बार के लिए, जिसमें डॉक्टर्स की कमी नहीं है, नर्सों की कमी नहीं है, तमाम मशीनें हैं, केवल एक अस्पताल पूरे हरियाणा में। निश्चित तौर पर मैं ये बता दूं कि कमी है डॉक्टरों की, रही है पिछली सरकारों में, हमारी सरकार ने इसको भरने का काम किया है। हमारी सरकार ने ये जो कमियां हैं इसको भरने का काम किया है, और बिल्कुल कोई कमी नहीं है, यही तो समस्या है ना हमारी। आपने किसी अस्पताल का नाम बताया या बता पाएंगे संजय आहूजा जी? कांग्रेस मान सकती है तो आप क्यों नहीं मान सकते कि हाँ हमारे साथ में ये कमी है सिस्टम की, हमारे पास में कमी है। राजीव रंजन जी आपके पास में आपने 700 की भर्ती की, 200 डॉक्टर्स तक भी आप ज्वाइन नहीं करोगे, ये एक फैक्ट है। आज के अखबार की आप हेडलाइन को पढ़े तो। चलिए एक बार के लिए रुकिए, राजीव रंजन जी आपके पास में आऊंगी। 2,70,00,000 आबादी है हरियाणा की, केवल 5,045 यानी मान के चलिए 6,000 से भी कम डॉक्टर्स हैं। क्या लगता है उपचार हो पाएगा सरकारी अस्पतालों में? फिर मनमानी क्यों सामने ना आए निजी अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों में ना डॉक्टर्स हैं ना तमाम सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए? देखिए ज्योति जी, एक्चुअली बिल्कुल सही बात है कि अगर ये ना हेल्थ और एजुकेशन जो ज्योति जी है ना, ये इसमें वैल्यू एडिशन प्रत्येक साल आपको करना होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बच्चे की मौत हो गई तो ओवरनाइट फिर आप सारा सिस्टम ठीक कर देंगे, ये आपको लगातार करते रहना पड़ता है। वैकेंसीज आपको पता होता है कि 2017 में इतने डॉक्टर्स रिटायर करने हैं तो 16 से प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। हाँ। हमें ये समझ, आपको तो पता है कोई डॉक्टर्स रिटायर कर रहे हैं, ANM रिटायर कर रहे हैं, नर्सेस की वैकेंसीज हो रहे हैं, सारे फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है कि MRI मशीन
मशीन हमारे हॉस्पिटल्स में नहीं है, आपको पता है तो डेंगू है तो प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट ब्लड करने के लिए उसके लिए एक मशीन की जरूरत होती है, सब जगह आप नहीं लगा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में तो लगाना चाहिए आपको, वो करते नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं ज्योति जी, इसमें किसी भी प्रकार का रिसर्च ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होने की जरूरत नहीं है। ये क्लरिकल डिसीजन है कि साहब 2018 में 300 डॉक्टर्स रिटायर करने वाले हैं, 2015 प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, नियम ये कहता है, हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, हाँ जी कर दो जी एडवर्टाइज, लेट अस इनवाइट एप्लीकेशन, छोटे छोटे हम करते नहीं है, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन में ज्योति जी प्रॉब्लम क्या है कि कमाई नहीं है एक्स्ट्रा यहाँ, इसलिए सरकार पैसे भी खर्च नहीं करते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर आपकी नीयत इतनी खराब है, लेकिन इंसान जो भगवान का क्रिएशन है उसको आप हेल्थ और एजुकेशन को ऑटोनॉमी दे दो, आप ऑटोनॉमस बॉडीज बना दो, सरकार को विड्रॉ कर लेना चाहिए हेल्थ और एजुकेशन से, और इवन पुलिस को आप फ्री कर दो, हेल्थ एजुकेशन पुलिसिंग जो है ऑटोनॉमस बॉडीज के द्वारा रन होगा, गवर्नमेंट का उनसे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। आज की तारीख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा क्यों कर रहा है, चूंकि वो ऑटोनॉमस बॉडीज है, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को यूनिवर्सिटीज को ले लीजिए, उनकी हालत देखिए, पीजीआई आपके अच्छे क्यों है, इनके पास टोटल ऑटोनॉमी है, एम्स के पास ऑटोनॉमी है, थोड़ा बहुत सरकार की कंट्रोल है, बट अदरवाइज कंट्रोल नहीं है। आप इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट, और हरियाणा को तो एग्जांपल सेट करना चाहिए, अभी तो ये नारा लगा रहे थे हरियाणा नंबर वन, तो जब इतनी प्रॉब्लम्स है हरियाणा नंबर वन किस बात का, ये भी समझने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस सरकार भी लगाती रही अपने वक्त के दौरान, लेकिन ये ना जनता को समझ में आता है ना बाकी जो आसपास के राज्य हैं कि हरियाणा किस चीज में नंबर वन है। हुड्डा साहब आपके पास मैं आऊंगी, हाईकोर्ट जो है वो भी जवाब मांग चुका है हरियाणा सरकार से इस पूरे मामले में, क्या कुछ लगता है धारा 304A के अलावा कोई विकल्प है जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ जाए? नहीं ज्योति जी, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम जो जिस तरह की क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी को जिस तरीके से डिफाइन करने की जो हमारी स्टेट की पॉलिसीज रही है उसमें 304 से ऊपर ये नहीं जा पाएंगे, जा 120 भी लगा देंगे और इससे ज़्यादा नहीं है, सब बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल हो जानी और दो चार दिन का मसला ये रहेगा। इसके अंदर सरकार ने क्या करना चाहिए कि सरकार के अंदर कैबिनेट के अंदर बिल लेके आना चाहिए और इसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी इसकी डिफाइन करनी चाहिए और इसको सख्त के सख्त प्रावधान इसके अंदर लाने चाहिए। और नंबर दो, इनकी जो जो कंप्लाइंस है ना किसी भी हॉस्पिटल की, वो टाइम टू टाइम उनकी डिफाइन होनी चाहिए, और एक वो कंप्लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है था। एक गवर्नमेंट इनको साथ साथ, जैसे रंजन साहब ने बताया था कि इनको जिस तरह लाइसेंस दिया जाता है, जब CLU किया जाता है, इनको परमिशन दी जाती है, तो BPL कार्ड होल्डर्स या जो गरीब तबके के जो जो जितने भी पेशेंट्स जाते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने, क्या वो किस तरीके से वो बुक्स में पूरा करते हैं या एक्चुअल में वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं? देखिए सरकार को अब वो स्टेज आ गई, देखिए अब लोग इतने जागरूक हो गए मीडिया, हाँ देखिए इसकी क्रिमिनल लायबिलिटी अब सरकार को उस लेवल पर डिफाइन करनी पड़ेगी जहाँ कोई भी नेग्लिजेंस से बच ना पाए, क्योंकि हाँ इस टाइम ऐसा है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे हुड्डा जी ने कहा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कैबिनेट में ये मामला लाया जाएगा। कब तक हो जाएगी? रविंद्र जी ने अभी कहा, सुनिए अमरदीप जी आप भी सुनिए, अभी कहा कि एक अस्पताल का मामला सामने आ गया, एक्शन ले लिया, बाकी निजी अस्पताल क्या कर रहे हैं उन पर कब जांच की जाएगी, कोई और मामला सामने आएगा उसके बाद मंत्री जी बोलेंगे या संज्ञान में आने के बाद इस तरह का एक्शन लिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा जी, निश्चित तौर पर आज विश साहब ने ये कहा है कि इस कार्रवाई के बाद सभी हॉस्पिटल्स की एक बार इंक्वायरी की जाएगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट आएगी उसके बाद जी। अमरदीप जी, ज्योति अब तक क्या हो रहा था, ये क्वेश्चन अभी भी वैसे का वैसे ही बना हुआ है, अब तक क्या ये सो रहे थे, क्यों एक बच्चा इस धरती से चला जाता है, वो अकेला बच्चा नहीं है, एक अकेली गोद नहीं उजड़ी है, ऐसे कई मामले हैं, ऐसे कई मामले दब गए हैं। ज्योति आप देख लीजिएगा, धारा लगेगी, दो चार दिन ये केस इसी तरह से चलेगा और फिर से दबा दिया जाएगा और कुछ भी बड़ा कोई मामला आएगा, मैं आपको बता दूं बिल्कुल ठंडे बस्ते में ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ज्यादातर यही करेगी आहूजा जी, ज्यादातर यही करेगी, ऐसा आपका मानना है? अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती, अभी तक एक्शन हो चुका होता। देखिए मैंने आपको पहले बताया, चलिए रिपोर्ट हालांकि अभी मिली स्वास्थ्य मंत्री को, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तमाम जानकारियां उनकी तरफ से दी गई। रविंद्र ढुल जी, आपको विश्वास है कि सरकार करेगी कि बाकी निजी अस्पतालों की जांच की जाएगी कि किस तरह का काम हो रहा है, क्या मनमानी तो नहीं हो रही या लंबे चौड़े बिल तो तैयार नहीं किए जा रहे?
नहीं, विश्वास नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा नहीं होगा, स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज तक नहीं हुआ, ये एक फैक्ट है और ना ही ये कर पाएंगे। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सच्चाई है करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप जाकर के वहां पे रेड करके और उसको सीज कर दीजिए, खत्म, कुछ कोई भी समस्या नहीं है। क्या प्राइवेट जो है या सरकार ने इसको लैंड दिया, आप वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके आप सरकारी उसको ओवरटेक क्यों नहीं कर लेते, आप क्यों नहीं कर सकते? आपने रियान को भी तो एक हफ्ते के लिए बंद किया था ना, आप इस हॉस्पिटल को क्यों नहीं कर रहे? वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा इसके पीछे एक सिस्टम रहता है, कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, इसे ये नहीं छेड़ेंगे, निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कह करके बंद कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला इस मामले में। राजीव रंजन जी सहमत हैं? मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं। मैं तो कई ऐसे जर्नलिस्ट, मैंने ज्योति जी कई ऐसे हॉस्पिटल्स के घिनौने कारनामे हमने जाने हैं। बड़ा एक बार दुख हुआ कि आदमी मर गया बेचारा, उसको आईसीयू में रखकर उससे भी पैसा ले लिया, ये मतलब बड़ा दुख होता है। हमारे हिंदुस्तान में लोगों का स्तर इतना गिर गया है, वहां आपको कॉन्स्टिट्यूशन का डंडा चलाना पड़ेगा, कानून उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। फोर्टिस हॉस्पिटल में नियम है कि 20% जो फ्री ओपीडी पेशेंट देखेंगे आप, 10% फ्री बेड्स देंगे, 70% डिस्काउंटेड ट्रीटमेंट टू 20% आईपीडी जो इन हाउस पेशेंट्स हैं। लेकिन सरकार ने कभी इसकी जानने की कोशिश की ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बाकी हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं? कोई एनुअल रिपोर्ट आती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के फंक्शनिंग पे? नहीं आती है, चूंकि इनका वो प्रायोरिटीज डिफरेंट है। ठीक है संजय, प्रायोरिटीज डिफरेंट है। देखिए मैं डुल साहब की बात का जवाब दूं एक बार, अपने राजीव जी का भी, कि मैं भी इनकी बात से सहमत हूं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इनकी सरकारों में ऐसा होता रहा है। हाँ। ये निश्चित तौर पर वक्त बताएगा कि कार्रवाई होती है कि नहीं होती। दोबारा कर लेंगे, देखिए वही बता रहा हूं, इस बार साढ़े तीन साल में बाकी कितने एक्शन लिए आप लोगों ने, उसके आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं, हम बहस कर सकते हैं कि आगे होगी या नहीं। जवाब दे दूं आपको कि आपने कहा कि सितंबर 2016 की एक कंप्लेंट आई थी एल्केमिस्ट के खिलाफ, रेड हुई थी, रेड के बाद में कुछ नहीं किया गया, ये एक फैक्ट है, उसका लाइसेंस नहीं, आपने कहा कि कमेटी बनाएगी, उसकी रिपोर्ट दी गई, फाइव मेंबर कमेटी ने ये पाया एल्केमिस्ट हॉस्पिटल में गैर कानूनी काम हो रहे हैं, उसके बाद भी उसका लाइसेंस इस साल रिन्यू आपकी ही सरकार ने किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया, ये भी एक फैक्ट है। संजय आहूजा जी, फिर क्यों विश्वास किया जाए कि सरकार एक्शन लेगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा या बयानबाजियों के अलावा, दावे किए जाने के अलावा कुछ किया जाएगा? जनता कैसे विश्वास करे? बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा और एक्शन ले लिया गया है। उनका ब्लड जो कैंप ब्लड डोनेशन वो है, अपना ब्लड कैंप है उनका, वो उसका जो लाइसेंस है रद्द कर दिया गया है इमीडिएट फैक्ट से। ये कितना इफेक्टिव माना जाएगा एक्शन, हुड्डा साहब? नहीं नहीं, देखिए ज्योति जी, ये अगर आप इस तरीके से अगर वो ये एक्शन होने लगे, इस तरीके से चीज़ होने लगे, तो मेरे ख्याल से ना हॉस्पिटल चलेंगे ना सरकार चलेंगी। अगर इस तरह का वो होता है, इस तरह का सिस्टम चलेगा, ये चीज़ें फिजिबल नहीं, यहाँ डिबेट करते हुए ठीक लग रहे हैं, लेकिन अब इसका आउटकम देखते हैं कि मुकदमा कब दर्ज होता है, किस डेट में होता है, किस सेक्शन में होता है, कोई गिरफ्तारी होती है या वहीं पर बेल दे दी जाती है, और इसमें कितने लोग शामिल होते हैं, और उसके बाकी जो कंप्लाइंस है उसके अंदर क्या क्या खामियां पाई जाती है, और क्या कमेटी इसके ऊपर बैठाई जाती है। एक कमेटी की तो चलो ये अब रिपोर्ट ले लिए, विच सामने ये भी धक्का मार के लिए, डंडा मार के लिए, नहीं तो ये भी नहीं आने वाली थी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई ठीक है, कोई करेक्टिव मेजर जरूर लिए जाएंगे और सरकार को लेने भी चाहिए, क्योंकि सरकार को इसीलिए चुना गया है। अमरदीप जी आपके पास मैं आऊंगी, आपकी सरकार रही हो या फिर खट्टर सरकार है, फिलहाल जो वीकर एक सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, निजी अस्पताल उनका भी उपचार करेंगे, ये भी एक प्रावधान है, वो नहीं किया जाता, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखो ज्योति, मैंने आपको पहले भी कहा कि सारी योजनाएं तो कांग्रेस सरकार की ही बनाई हुई है। मैं एक देखो, आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत वाजिब क्वेश्चन है कि सरकारों को इस संदर्भ में हमेशा से एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा से, क्योंकि जनता आप लोगों की तरफ देख रही है, जनता आप लोगों को वोट दे रही है और वो अपना हक भी मांग रही है, ये आप उनको देकर के कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हाँ। आखिर जनता का अधिकार है, जिम्मेदार तो चाहे सरकार हमारी कांग्रेस की है, चाहे सरकार बीजेपी की है, आपके वक्त हुआ तो आप लोग जिम्मेदार थे, यानी कांग्रेस जिम्मेदार थी, मानेंगे इतना? नहीं, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि सारी योजनाएं जो है वो कांग्रेस की बनाई है, कम से कम हम ये नहीं कर रहे थे कि अपनी जनता को छोड़ करके अदर स्टेटों का ध्यान कर रहे थे, कम से कम ध्यान कर रहे थे, कुछ गलतियां रही होंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं रही। बजट बड़ा होता है लेकिन जाता कहाँ है, ये समझ में नहीं आता।
नहीं, ये बड़े बहुत पुरानी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा था 1 रुपये में से 10 पैसा पहुंचता है, ये तो ये कोई जानी हुई पहचानी बात है, हमें पता है इस बात का कि कहाँ जाता है। बट द फैक्ट यहाँ पे आज भी आता है कि यदि मेरी सरकार के दौरान कहीं इस प्रकार का गैर कानूनी कार्य मेरे सामने आता है, उसके बावजूद भी यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है या भविष्य के लिए हम नजीर नहीं बनाते हैं, हम आपस में इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे, आम जनता ऐसे ही मरती रहेगी। मेरे मेरे लिए समस्या ये है कि मैं अगर राजनीतिक पार्टी के रूप में अपनी कमजोरी को मैं स्वीकार करता हूं, तो मेरी तरह दूसरी पार्टियां कब अपनी कमजोरी का स्वीकार करेंगी, मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर एक बात और भी तो है, अगर ढुल साहब भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, मैं भी इस बात को स्वीकार कर रही हूं, तो आखिर बीजेपी को क्या मुकालता है कि ये आगे आकर संजय आहूजा कर, संजय आहूजा जी 3 साल से, मानिए कि 7 साल की मासूम की मौत हुई, 7 साल की मासूम की मौत हुई, अस्पताल प्रशासन बेखौफ है पूरी तरह से, क्या जी सरकार सरकार की कमी रही, सरकार की कमी रही जी। देखिए कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, तभी ये एक हादसा हुआ है, इस बात को मैं कम नकार रहा हूँ जी। तो इसको सुधार करने के लिए आज भी साहब ने कर दिया ना इस चीज के ऐलान, रंजन जी लगता है कि सुधार हो जाएगा, हालांकि पैनल पे माना गया कि सरकार की चूक रही है। देखिए ज्योति जी, ये सुधार होगा, बट मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिशियंस के बस की बात है, ये लोग ही अपने आप कुछ करेंगे, वो एजिटेट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो भी सुधार होगा। क्योंकि जिस प्रकार से हॉस्पिटल में हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में दवाई आप हमारे यहाँ से लीजिए, टेस्ट हमारे यहाँ से कराइए, सारा चीज यहीं से कराइए, वो आपको सारी बातें बताते भी नहीं है और बिल थमा देते हैं। आप तो शुक्र मनाइए कि ये बच्ची की डेथ हो गई तो ये बातें ये बाहर आ गई। अगर बच्ची ईश्वर के पास से बच जाती तो 16 लाख रुपया वो दे देते और मामला वहीं खत्म हो जाता। हरियाणा की जनता ये जानना चाहेगी कि टैक्स हम देते हैं, सरकारी अस्पतालों में वो सुविधाएं क्यों नहीं मिलती और प्राइवेट अस्पतालों में क्यों जाना पड़ता है। देखिए अभी काफी सुधार हुआ है, जो पीछे लैप्स रहा है काफी समय से, अब उसमें काफी सुधार हुआ है। आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल पंचकुला में देखिए, इतना बड़ा सुधार हुआ है वहां पे। संजय जी अभी भी देखना बाकी है। नहीं देख, मैंने तो सुधार के लिए देखने के लिए कहा, आप सुधार की देखिए। चलिए बहुत शुक्रिया, हालांकि विषय बहुत बड़ा है लेकिन समय इजाजत नहीं देगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का वक्त देने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए। तो चर्चा की आज हमने कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्या एक्शन लेने की बात कही, अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो बड़ी खबर आपको दे दें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, हालांकि भूकंप की तीव्रता को लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। एनसीआर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली एनसीआर हिल उठा है इन भूकंप के झटकों के चलते। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से और साथ ही दिल्ली के आसपास के इलाकों यानी एनसीआर से ये बड़ी खबर हम आपको दे रखे हैं, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, तो दिल्ली एनसीआर हिल उठा है पूरी तरह से भूकंप के इन झटकों के चलते। तो बड़ी खबर आपको दी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, काफी तेज ये झटके बताए जा रहे हैं, तो दिल्ली एनसीआर हिल उठा है भूकंप के झटकों के चलते। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित गांधी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? अमित आवाज मिल पा रही आपको? अमित, कौन कौन से इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए? तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, तेज ये झटके बताए गए हैं, हालांकि कौन कौन से इलाके में भूकंप आया है और क्या इसकी तीव्रता है, इसको लेकर हम विस्तार से जानकारी भी लेंगे। तो बड़ी खबर आपको दी, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके चलते पूरा एनसीआर जो है हिल उठा है इन तेज भूकंप के झटकों के चलते।
अमित गांधी हमारे संवाददाता फिर से फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, क्या कुछ तीव्रता रही और कौन से इलाके में ये झटके महसूस किए गए भूकंप के? अभी तीव्रता के बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि रिक्टर स्केल पे ये कितनी तीव्रता की भूकंप थी। हाँ। पर लोगों ने घरों में इसके झटके महसूस किए और जो बच्चे थे बड़े थे सब सड़क पे आ गए और ये भूकंप के झटके काफी तेज थे। ये झटका को तेज माना जा सकता है। अब थोड़ी देर पहले आ जाएगा मैसेज कि रिक्टर स्केल पे इसका क्या कितना भूकंप आया। शुक्रिया अमित आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर के घरों में और क्या कुछ तीव्रता रही, हालांकि वो जानकारी आना अभी बाकी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।